इंसान जीबाई पसंद है खूबसूरती पसंद, पसंद है लेकिन हर खूबसूरती देखने की नहीं होती हर जैबाई देखने की नहीं होती ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है कि उसने हमें मना फरमाया है अहकाम शरीयत के जरिए से कि मिलुम अमिन यह गल्लुमिन अबसा रहे रसुल कह दो मोमिनों से कि वो अपनी नजरों में से कुछ नज़रों को कंट्रोल करके नीचे कर लें यहू या यानी बेपूनंद झुका लें छुपा लें सब नज़रों को नहीं कहा कि आँखों पर पर्दा डाल के नकाब डाल लें नहीं बल्कि क्या कहा मैन अब सॉरे अपनी निगाहों में से मैन यानी कुछ को जो हराम की तरफ हैं जो मुशतबा हैं शुभानाक हैं उनको छुपा लो उनको नीचे कर लो उनको कंट्रोल कर लो अगर इंसान ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो बहुत से फ़वादों से हासिल होते हैं तो इंसान सिवाई पसंद होता है और जाहिर सी बात है कि बहरहाल अच्छे चेहरे होते हैं अच्छी चीज़ें होती हैं इंसान देखता है अच्छे मनाजर को देखता है सीनरी को देखता है कुदरती मनाजर को देखता है तो खुश होता है लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने मना किया कि ना महरम या अजनबी औरत की जानब अजनबी से मुराद क्या है यानी ना महरम आपकी चची वो भी अजनबी तो नहीं है लेकिन ना महरम है आपकी भाभी आपके लिए नाम महरम है, है ठीक है आपके खाला जदाद चचाजाद पोपीजा तायेजा मामोजाद ये जितनी जात बहन हैं या भाई हैं ये सब आपके लिए नाम महरम है हम जब कहते हैं कि नाम महरम की तरफ निगाह ना कर तो फ़ौर हमारे जहनों में ये आता है कि कोई मर्द जद लड़का जो है लड़की की तरफ निगाह डाल रहा है नहीं ये दो तरफा मामला है यानी लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की ना महरम है अगर ये हुक्म लड़के के लिए है तो लड़की के लिए भी है वो ना महरम पे निगाह ना करे वो अपनी नज़र को आलूदा मत करे बस आहजा नगर में इस बना पर लाजम ज़रूरी है कि इस चीज़ को मद्दनज़र रखा जाए कि ना महरम की तरफ़ देखना न सिर्फ इंसान को राय हक़ से दूर करता है बल्कि आहिस्ा आहिस्ा उसके अंदर एक मनफी जज्बा पैदा करता है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर की रिवायत है जब इंसान एक गुना करता है उसके दिल में एक सिया नुकता पैदा होता है फिर दूसरा सिया नुकता फिर तीसरा सियान नुकता फिर चौथा से नुकता आहिस्ता आहिस्ता क्या है पूरा दिल सिया होने लगता है इलम नफसियात भी इस चीज़ को तस्लीम करती है और कहती है कि जो कुछ आप देख रहे हैं सुन रहे हैं हवा से खमसा से गए हैं ये सब आपके लाशूर में और शुरू में सेव हो रहा है ये ज़र्ब देने शुरू करता है अगर अच्छा है तो कहता है अच्छा किया अच्छा किया बुरा किया बुरा अमल किया गुनाह किया बुरा है बुरा है कुछ शिकस्त खाई क्या है कि वो इंसान जो है आ, कहता है तुम अच्छे नहीं हो तुम शिकस्त खोरदा हो तुम हार गए हो अब ये देखिए कोई बच्चे फेल हो जाते हैं दो दो दिन तक कमरे पड़े हुए हैं कमरा बंद लाइट बंद खाना नहीं खा रहे मोहब्बत में नाकाम हो गए जी आज शिकर गए छोड़ के चला गया मंगनी हो गई कहीं जरा वो दो दिन बंद कमरा है लाइट बंद खाना नहीं खा रहे क्योंकि शिकत तस्लीम कर ली जब शिकत तस्लीम कर ली है तो उसमें तो दुनिया द एंड हो गई है इस लड़की से मुझे शादी करनी थी उसकी शादी कहीं और हो गई द एंड ख़त्म दुनिया क्लोज अब वो जो है सेट सॉन्ग उसके शुरू हो गए अगर जो है वो फेल हो गया ये नंबर का मा या कोई भी किस्म में शिकस्त हो गई अब ये सब क्या ही ये मनफ़ी चीज़ें उसके जहन में जा रही जब जहन में जा रही हैं तो अंदर से आना शुरू हुआ अब जब इंसान ऐसी पोजीशन में होता है ना आपने देखा हो कोई अच्छा काम नहीं करता ना नमाज़ का दिल चाहेगा ना रोदों का दिल चाहेगा ना इबादत का दिल चाहेगा किसी चीज़ का दिल नहीं चाहेगा वो सेट सॉ क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर से लाशौर कह रहे तुम बुरे हो तुम शिकस्त खोड़दाह हो, तुम हार गए हो तुम्हारी महबूबा चली गई है मसलन ठीक है तुम फेल हो गए तुम्हारे नंबर कम आए तुम्हारे माँ बाप ने मसलन जो है वो ये कर दिया ये बच्चों की आदत होती है कि बर्तन तोड़ देते हैं माँ बाप उन्हें डांट देते हैं जब डांट देते हैं तो बिल्कुल वो कहते हैं बस मैं तो कुछ नहीं हूँ मेरे मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो ये क्या है ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो इंसान के लाशोर में जा रही होती है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है अच्छी चीज़ है तो वो अच्छा होता है आप पास होते हैं खुश होते हैं आपकी जी भी अच्छी आती है और फिर आप जो है वो मसलन कोई स्कोर करते हैं कोई कारनामा करते हैं कोई ख़िदमत अंजाम देते हैं कोई वॉल्टरी जो है राशन पहुँचाते हैं आपके जना हमने ये किया ये किया ये किया और आपका दिल चाहता और करें और करें ये सब क्यों हो रहा होता है इसलिए रहा होता है कि वो सब अंदर जा रहा है पॉजिटिविटी और वो मल्टीप्लाई हो रही है बस इन बार लाजि जरूरी है कि देखें कि ये जो ना महरम की तरफ निगाह डालना है ये सिर्फ निगाह डालना नहीं है व नो मकदम व आसार बो मकदम जो इन्होंने अमल भेजा है वो व आसारूर्य यासून है और उनके आसार भी लिख रहे हैं यह असर क्या है वो असर आपके लाशर में जा रहा है जो अंदर से मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए क्या इस रात को मसन वज़ू करके सोए इबादत करके सोएं रियास करके सोएं खुदा से सूर्य कहफ के आखिरी आयत पड़ के खुदा अंदर मुझे उठा देना वो ये कर देना वो कर देना ताकि वही मेमोरीज जो ना आप लेके सोएं वही मेमोरीज लेके उठें मसलन कहा जाता है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी ये है कि रात को जल्दी सोएं और स्टडी करके सोएँ और स्टडी करने के बाद जो है वो फिर आप कुछ ना पढ़ें सुबह उठने के बाद फिर आप वही स्टडी को दोबारा से रिवीजन करें तो जो कुछ रात को हाफजे में डाला था वही चीज़ मेमोरी में, में रिकॉर्ड हो रहा है और फिर वही चीज़ दोबारा उठ के जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल पुख्ता और मज़बूत और स्ट्रॉग हो जाएगा पर इस बना पर ज़रूरी है कि नाबैरम की नज़र की तरफ नज़र डालना भी दर हकीकत क्या है वो भी क्या है? एक मन फिकाम है जो अंदर जा रहा है अब आपने देखा मैंने एक निगाह डाल ली खा वो किसी को तस्वीर देखी हो लाइव देखा हो या किसी को जो है अपने सामने देखा हो लेकिन वो क्या वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है उसके जो बुरे असर हैं वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान जो है वो यूज होता चला जाता है आदि होता चला जाता है इसलिए कसरत के साथ रवायात हमें मना करती हैं कि ना मैडम की तरफ नगर ना डाली जाए उससे हसरत पैदा होती है और ऐसी हसरत पैदा होती है कि बात तो इंसान उस हसरत के पहाड़ के तले दब जाता है एक नौजवान ने मेरे उस्ताद से कहा कि मैंने एक नजर हराम डाली थी एक नज़र हराम ग्यारह साल मैं उसका खुमिया जब रहा हूँ तोज्जो कीजिए ग्यारह साल बहुत कोई मामूली चीज़ नहीं क्या रस्सा लज बस इस बना पर लाजम ज़रूरी है कि ना नामहरूम की तरफ नज़र डालने के जो जो मसाइल हैं उनको संजीदगी से लिया जाए इसलिए अलत बहजत भी कहते हैं रवायात भी कहती हैं कि अगर तुम अपनी नज़रों को कंट्रोल करो तो तुम अजायब देखोगे यानी तुम्हारी इन आँखों के सामने से इन आँखों से ये आँखें नहीं हैं बल्कि वो चश्मे बरसख़ी जिसे कहा जाता है उसके सामने से पर्दा हट जाता है बाज़ चश्मे बरज़ी इंसान की बाज हो जाती है अल क्या जब तुम अपनी आँखों को बंद करोगे तो खुदा अजायब दिखाएगा पर्दे हटा देगा तो रखेगा दूसरी बात ये हो गई कि अजायब देखना मकसद नहीं है हमारा मकसद ब बंदगी करना है कि खुदा के बंदे बने खुदा के अब्द बने खुदा के गुलाम और नौकर बने कि खुदा बंदा मैं तेरा अब्द हूँ मैं तेरा नौकर खादिम हूँ जो तेरा हुक्म है मैं वो करूँगा तो मुझे अजायब दिखाए या न दिखाए तोजो रखिएगा इस बिना पला ज़रूरी है नौजवान नी के, के मतव हूँ हदीफ में कोई नामहर नजर पड़ जाए ये आसमान की तरफ कर ले अपनी नजरिया ज़मीन की तरफ तो खुदा आलम फ़ौर हु से उसकी शादी कर देता है या हु से इसकी शादी कर देता है वह हद ही मिलता है बस इस बना पर क्या है यानी इंसान प्रैक्टिस करे अपने आप को तोज्जो दे लाए कि ना महरम की तरफ निगाह न करे और अगर निगाह हो जाए तो फ़ौर तो वफफ़ार करें ताकि जो है उसका असर जहाल हो सके